नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंदू। और ये रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। आज योगी सरकार पेश करेगी अंतिम पूर्ण बजट। एमपी के शेड्यूल में 19 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप आरोपियों में शामिल है बीजेपी का मंडल चीफ भी। कोल स्मगलिंग केस में अभिषेक बैनर्जी की पत्नी और साली से होगी आज पूछताछ। सीबीआई के समन के बाद बंगाल की सियासत गरमाई। राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान कि अब गुजरात में करेंगे आंदोलन मजबूत, चरखा चलाकर कंपनियों को भगाएंगे। बढ़ते कोरोना केसेस के चलते नासिक में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। पामेला गोस्वामी कोकेन केस में कल पुलिस पामेला को लेकर पहुंची ब्यूटी पार्लर जांच पड़ताल के लिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश नाकाम। श्रीनगर बारामूला हाईवे के नीचे से बरामद हुआ आईईडी। व्हाट्सएप ने विवादों के बाद अपनी प्रिवेसी पॉलिसी को देखते हुए एक बयान दिया है कि अगर 15 मई तक आप प्रिवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैसेजेस आप लोग नहीं भेज पाएंगे। वहीं सुरेश रैना ने T20 में लगाई शतक। केवल 46 गेंदों में उन्होंने शतक लगाई। बिग बॉस 14 की विनर रही रुबीना दिलेर। धन्यवाद, मैं मानसवी शर्मा और कल फिर मिलेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।